तो हनुमान जी देखे कि कौन राम राम कह रहा है, अब वो विद्या सीख रहे थे, तो उन्होंने हाथ से अपने पूंछ से उनको नीचे से ऊपर उठाया। ऊपर उठाते ही यज्ञ बल्कि एकदम कूद के घोड़े की कान में जाके बैठ गए, जो रथ सूर्यनारायण का घोड़ा था उस रथ में जाके बैठ गए। हनुमान जी देखे अगर इसको देखूँ तो विद्या चले जाएगी, और ये इसको नहीं देखिए गया कहाँ, वो जाके यज्ञवल ऋषि घोड़े के कान में बैठ गए। और उस दिन से यज्ञवल महर्षि जो हनुमान जी को विद्या सिखाई जा रही थी वही विद्या में सीख रहे, उनके साथ विद्या सीख रहे। जब ये पता चला सूर्यनारायण भगवान को, तो सूर्यनारायण की को उन्होंने क्षमा मांगी और कहा मैं अकारण शापित हुआ, मैं गुरु का मान रखना चाहता था लेकिन अकारण शापित हुआ, अगर आप योगी समझते हो तो मुझे मेरी दी हुई विद्या, आपकी दी हुई विद्या फिर मुझे प्राप्त हुआ, ऐसा आशीर्वाद दो। तो भगवान सूर्यनारायण कहते हैं जिस दिन वसंत पंचमी होगी उस दिन तुम मेरे पास आ जाओ। और वसंत पंचमी के दिन याज्ञवल्क्य महर्षि को इस संसार में भगवान सूर्यनारायण जी ने पहले शहद के साथ सरस्वती का अभिषेक करवाकर उनको वो विद्या सरस्वती विद्या प्रदान की और याज्ञवल्क्य महर्षि बने। कहते हैं कि याज्ञवल्क्य इतने बड़े महर्षि बने कि उनकी दो पत्नियां थीं, वे राज्य के कहीं भी किसी के ऋषि में अगर बार बार में शास्त्रार्थ करते थे तो उनको हराने वाला कोई नहीं था, ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है। और उन्हें वसंत पंचमी के दिन वो सरस्वती की विद्या उन्हें भगवान सूर्यनारायण से ली और इतने श्रेष्ठ कहलाए गए कि उनकी श्रेष्ठता सारा संसार मानता है आज भी। उन्होंने कर्ण शाखा में आंखों से पानी टपकते हुए रोते हुए सरस्वती स्तुति की, सरस्वती माता की स्तुति की, सरस्वती का स्तोत्र पढ़ा और कहा कि माँ अगर मेरी गलती हो तो तुझे विद्या नहीं देना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुझे विद्या प्रदान करना। और उन्होंने सरस्वती को, सरस्वती माता से उस स्तोत्र को पढ़ते हुए विद्या मांगी। मैंने जो अभी इससे पहले स्तोत्र पढ़ा था वो भी सरस्वती का ही स्तोत्र था, तो उस स्तोत्र को गुरुमुख से उन्होंने सुना और याज्ञवल्क्य महर्षि ने सरस्वती माता की स्तुति की। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती स्तुति करके उन्होंने उस विद्या को फिर अपने गुरु के पास जो खोई हुई विद्या थी उसको प्राप्त करने की क्रिया की, तो याज्ञवल्क्य महर्षि बने। और याज्ञवल्क्य के जितने भी परंपरागत लोग हैं वो लोग साधारणतः अगर हम आज कह के लिए कह जाए तो वो अपने महाराष्ट्र में यहाँ कहें कुलकर्णी कह रहे थे, कुलकर्णी कुल जो कर्ण कुल से सुना हुआ है वो, और तेलुगु में कर्णालु बोलते हैं, यानी इसमें सुनने वाले आजकल के पटवारी और आजकल के देशपांडे ये लोग सब भी उसी यज्ञवल कर्ण शाखा के अंतर्गत आते हैं। और उनके घर में जो सरस्वती यज्ञवल स्मृति का सरस्वती स्त्रोत्र पड़ता है, कहते हैं कि वो यज्ञवल की स्मृति में वो कितना भी वाक्य आज आपने सुना है शिवे रुद्धे गुरुस्ताता गुरु देश शिवे नहीं तस्मा सर प्रयत्न गुरु शरण प्रे, अगर गुरु प्रदीत हुआ तो शिव भी बचा नहीं सकता, शिव प्रदीत हुआ तो गुरु बचा सकता है। लेकिन ऐसे समय में भी आज बसंत पंचमी के दिन जो व्यक्ति अपने गुरु के पास से सरस्वती मंत्र लेता है और उसके सामने कम से कम पांच माला जप करता है उसके वो विद्या की स्मृति नहीं होती, विद्या को भूलता नहीं, विद्या को जागृत रखता है और उसके अपने विद्यमान लोग बनते हैं। इसमें भगवान आपने देखा होगा एक बार सुना है कि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, आपको सबको पता है वाल्मीकि रत्नाकर नाम के डाकू थे और वो सभी स्त्रियों को लूटना, उनके गहने ले लेना और अपने बच्चों का परिवार का पालन पोषण करना जो उनके पास था। एक दिन ये डकैती करते करते उनके मार्ग में भगवान नारद जी आए, ऋषि नारद। उन्होंने उस दिन कोई नहीं आए थे, नारद को ही पकड़ लिया, बोला अरे नारद चल तेरे पास क्या है दे, अरे बोला मेरे पास तंबूरा और नारायण के सिवा है क्या, तंबूरे में क्या रखा हुआ, तंबूरे में कुछ नहीं, तंबूरा मैं तोड़ देता हूँ, अरे तंबूरे में बजाता है यार इसमें कुछ नहीं, लंगोटी डालकर मैं एक धोती पहनने वाला मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो तू जीता कैसा, इस जंगल में आया तू कुछ ना कुछ तेरे पास कमाने का खाने का कुछ ना कुछ वो क्या है दे। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरी बात सुन, उन्हें कहा ऐसा हो नहीं सकता तो बिना खाने रहता है क्या, बोले मैं पूर्ण तीन लोग घूमता हूँ और मेरे पास एक नारायण नारायण नाम का मंत्र है उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं, मैं नारायण नारायण बोले तो आता क्या, उसका कहना तू जो बोल रहा है वो मंत्र अगर मैं बोलूँ तो मेरे को पैसा आता क्या। अब नारद में पढ़ गए सारा इसको बोलूँ नारायण बोले तो पैसा आता है, तो नारायण बोलेगा पैसा कहाँ निकाल बोलेगा, एक बार बोले तो नारायण से पैसा कहाँ से आएगा, और नहीं बोले तो मार खत्म कर देगा मुझे। उसने वाल्मीकि ने वाल्मीकि को कहा मैं एक बात बोलता हूँ तुझे तो पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ सब कुछ, लेकिन एक बात तू ये जो सब कार्य कर रहा है तेरे पत्नी को
पाल रहा है, तेरे बच्चों को, तेरी माँ को, तेरे सास ससुर जो भी है उनको पाल रहा है ना, एक बार उनको जाके पूछ के, हाँ ये तो डकैती करना या इसको करना ये तो बहुत महान बड़ा पाप है, तो फिर ये महान पाप जो कर रहा है वो पाप का प्रायश्चित जो है पाप के लिए नरक में जाना पड़ता, तो तेरे वो जो लोग इसके ऊपर पल रहे हैं वो लोग भी नरक में आने के लिए तैयार है, एक बार पूछ ले हमें यहीं। उसको जरा लगा सच है यार, पाप के लिए तो उसको नरक भोगना पड़ता, बोले तू भाग मत जा। नारद जी को पूरा बांध दिया झाड़ को और अपने लोगों के पास गया, बोल के जाकर पूछने लगा कि यार मैं तुम्हें रोज पैसा ला के देता हूँ, लूट के पैसा लाता हूँ, मार के तुमको पैसा लाता हूँ और तुम्हें देता हूँ, इसलिए तो पाप है और इस पाप का तो मुझे भोगना ही पड़ेगा नरक, तो क्या आप मेरे साथ नरक भोगने के लिए तैयार हैं? सभी लोग बोले क्या दीवाना है क्या, हम कहीं नरक भोगेंगे? तेरे को तो पैसा लाता हम खाते, पैसा लाता पूछे क्या, हम नहीं पूछे, तू जो कर रहा है तू ही भगन होकर, हम नरक मेरे नहीं जाते, हम पाप नहीं लेते। तब वाल्मीकि रत्नाकर ठाकुर को आंखें खुले और उसने कहा ये क्या हो रहा है, मैं रोज इतना पाप करके इनको पालता हूँ, बोले कोई हम तेरा पाप लेने के लिए तैयार नहीं। उसके आंखों में आंसू आ गए, वो भाग के आया, अरे यार तू कौन भी है जो भी है महान आदमी है, मेरे आंखें खोल दिया तू आज, अब बोल वो तो नहीं लेना चाहते और मैं तो पाप में नरक में जाऊँगा ही जाऊँगा, मुझे क्या करना है? कहते हैं कि वो इतना पापी था कि भगवान नारद जी ने उसको मंत्र देने की बात कही और गलती से नारद जी उस दिन जहाँ जा रहे थे वो सरस्वती मंदिर को जा रहे थे और वसंत पंचमी का दिन ही था। नारद जी ने कहा इसे क्या करूँ? उसने कहा कि मैं तुझे सरस्वती मंत्र देता हूँ, तू सरस्वती मंत्र को बोल। सरस्वती मंत्र आई बोलने नहीं आता ना, सरस्वती बोलने नहीं आता उसको, उसकी जीव उतनी खत्म हो गई मांस भी खाने से, बोलने ही नहीं आता, बहुत समझा के देखने पर नहीं आया, कुछ बोल रहा ही नहीं। आखिर बोला तू राम बोल, उसने कहा राम भी बोलने नहीं आता, हराम हराम सा बोलने लगा, अरे इसको तो ये भी बोलने नहीं आता, आखिर बोल तो ऐसा कर मरा बोल, मरा 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 बोलते गया, राम 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 आते गया। और उसको उस दिन उन्होंने बसंत पंचमी थी, उस दिन उन्होंने वो पहली बार नारद जी ने उसको बसंत पंचमी के दिन वो दिया और वही शहद था, उस शहद से निकाल कर उसके जीव के ऊपर उस मंत्र को लिखा। आपको सबको पता है वही रत्नाकर ठाकुर आगे चलकर वाल्मीकि महर्षि बने, पहले कवि बने संसार के संस्कृत में और पहला काव्य पहला श्लोक उनके मुख से उत्तरित हुआ ऐसी ही सरस्वती मंत्र की बसंत पंचमी के दिन। अगर अपने गुरु के साथ अपने शहर से लेते हैं तो हमें उस उच्चता को प्राप्त करते हैं। इसी तरह आपको तेलुगु में मालूम है तेनाली रामकृष्ण बोल के मंत्री एक ब्राह्मण होके गया, वो तेनाली रामकृष्ण भी ऐसा था, बहुत विद्वान था लेकिन कहीं भी जहाँ नौकरी नहीं मिल रही थी, कहीं जहाँ नौकरी नहीं मिली, न पैसा आता ना विद्या, विद्या बहुत होने के बाद भी कुछ नहीं होता। तो उन्होंने एक दिन उनके गुरु के कहने पर कहा गया महालक्ष्मी महाशिष्य महाकाली का एक मंदिर है उसमें जाकर तू ये फलाना मंत्र कर, फिर वो देवी प्रसन्न हो जाएगी और तू देवी से कुछ भी पूछ लेना। तो गए महाकाली महालक्ष्मी महाशिष्य का जहाँ मंदिर था वहाँ बैठे, रात भर पूजा की उनके गुरु के कथनानुसार और उनको महाकाली प्रसन्न हुए। महाकाली नहीं थी वो नील सरस्वती थी, नील सरस्वती थी तो वो प्रसन्न हुई और उसने कहा कि क्या है मुझे किस लिए बुलाया है? उसने कहा मैं न कमा सकता हूँ न मेरी विद्या किसको देख सकता हूँ, यश है न कीर्ति है न पैसा है कुछ है, मुझे यश कीर्ति के साथ पैसा चाहिए, आप पैसा उद्दान दो। नील सरस्वती ने कहा ये दो एक के पास नहीं रहते, जिसके पास पैसा रहता उसके पास विद्या नहीं रहती, जिसके पास विद्या रहती उसके पास पैसा नहीं रहता, ऐसा कैसा हो सकता है? ये देख मैं एक कटोरे में दूध रखा है, अगर ये दूध लेता है तो तुझे विद्या प्राप्त होगी यश प्राप्त होगा, और एक कटोरे में दही रखा है इस दही को लेता है तो यशवान कीर्तिवान पैसावान होगा, तुझे इसमें से दो में से कोई चाहिए। बोले माँ एक बात कहता हूँ एक मिनट के लिए, तू आंखें मूंद ले मैं बोलता हूँ। बोले माइका को आंखें मूंद एक बार बोलता है उसने तो आंखें तो मूंद ले। माता ने आंखें मूंद ली, ये दो कटोरियाँ लेके पी गया ठीक है आगे बैठा। अब माता जी को बोली अरे तू मैंने एक कटोरी पीने की कहा, माँ तू बता दे मेरे पास पैसा नहीं है और विद्या नहीं क्या काम, विद्या है पैसा नहीं क्या काम, अब तू मुझे मार सकती है तू कुछ भी कर सकती है। लेकिन माता के मुंह से हंसी छूट गई और उन्होंने कहा तू तो विकट कवि है, विकट कवि उसको उल्टा करो फिर विकट कवि आता है। और उन्होंने माता उस दिए वो तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य में बहुत बड़े कवि हुए और वो श्रेष्ठता के साथ अपनी विद्या का करते थे। वो दिन भी बसंत पंचमी का ही दिन था। कहते हैं कि गुरु के द्वारा अपने शहर से बसंत पंचमी के दिन जो मंत्र ग्रहण करता है सरस्वती का
विशेषकर वो लोग जो नौकरी आदि करते हैं, बड़े हो गए हैं जो विद्यार्थी, विद्यार्थी जो है वो शारदा का मंत्र या सरस्वती का मंत्र ले लें, लेकिन बड़े लोग नील सरस्वती का मंत्र अपने गुरु के पास ले लें और गुरु के सामने उसकी पांचवाला मंत्र करते हैं, तो उनके जीवन में भी यश कीर्ति सभी कुछ प्राप्त होती है।